दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जिसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी निराशा से निकल कर सफलता की ओर होगी। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे कार्य जरूर होते हैं जिन्हें करना असंभव लगता है, और कोई जब दूसरा आके उस कार्य को कर जाता है तो हम बस एक ही शब्द हमेशा बोलते हैं कि यार, वो तो बहुत लकी है, उसकी तो किस्मत ही अच्छी है। दरअसल असंभव कार्य को करने के लिए जितनी कठोर मेहनत की आवश्यकता होती है, उतनी शायद आपने अपनी ज़िंदगी में, इस पूरे जीवन में शायद कभी की ही नहीं होती। कोई भी काम असंभव नहीं होता, बल्कि थोड़ा कठिन ज़रूर होता है। जब कोई काम इतना कठिन होता है जिसे हम आसानी से नहीं कर सकते, तो बस हम ये कहने लग जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कुछ है ही नहीं, हम कुछ कर ही नहीं सकते। बल्कि सच तो यह है कि असंभव जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है, बस हमने इसे अपने दिमाग में पाल के रखा हुआ है। और जब ये हमारे दिमाग में आ जाता है तो हम किसी कार्य को करने के लिए उस हद तक प्रयास ही नहीं करते जितना हमें कभी करना होता है। आपको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि पहले अगर हम क्रिकेट के बारे में बात करें तो 300 रन एक असंभव स्कोर हुआ करता था, लेकिन आज के टाइम में 400 भी आसानी से चेस किया जा सकता है। लेकिन जब समय बदल जाता है तो चीज़ों की ज़रूरतें, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा बदलती रहती है। इसी प्रकार कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने असंभव मान लिया, अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने प्रयास ही नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपने हिम्मत छोड़ दी। लेकिन एक बात ज़रूर याद रखना, एक ना एक दिन ऐसा शख्स आएगा जो इस असंभव को संभव बना कर रख देगा। ऐसा करके वो शख्स दुनिया में छा जाएगा और आप बस यही बोलोगे कि वो सिर्फ लकी है। दुनिया में मेहनत करने वालों की कमी नहीं है, आप नहीं तो कोई और ही सही। असंभव को कोई आकर चुटकियों में ढेर कर देगा। इसी तरीके से सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब आपके साथ जो सारी चीज़ें हो रही होती हैं, आपको लगता है कि वो आपके अगेंस्ट हैं, आपके विरोध में हो रही हैं, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ निराशा मिलती है। चाहे आप एक प्रोग्रामर हो या आप जिंदगी के किसी भी मोड़ में खड़े हो, आपको बस लगता है कि आपका हर एक डिसीज़न जो आपने लिया है वो एक गलत है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ हेनरी फोर्ड का, जो एक बिलियनियर हैं, विश्व प्रसिद्ध फोर्ड मोटर कंपनी के मालिक हैं। सफल बनने से पहले फोर्ड 5 अन्य बिजनेसेस में फेल हुए थे। कोई और होता तो 5 बार अलग अलग बिजनेस में फेल होने के बाद, कर्ज में डूबने के बाद वो टूट जाता, लेकिन फोर्ड ने ऐसा नहीं किया। आज एक बिलियनियर कंपनी के मालिक हैं क्योंकि उन्होंने उस समय हिम्मत दिखाई, वो जज्बा दिखाया, वो मेहनत करी जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए थी। अगर विफलता की बात करें तो थॉमस अल्वा एडिशन का नाम सबसे पहले आता है। लाइट बल्ब बनाने से पहले उसने लगभग 1000 विफल प्रयोग किए थे। अल्ब्रेट आइंस्टाइन, जो कि 4 साल की उम्र तक बोल नहीं पाते थे, 7 साल की उम्र तक बिल्कुल कुछ भी लिख नहीं पाते थे, उन्हें दिमागी रूप से लोग कमज़ोर मानते थे, लेकिन उन्होंने अपनी थ्योरी, अपने सिद्धांत, अपनी मेहनत के बल पर दुनिया में अपना नाम किया। आप भी यह सब कर सकते हैं। अब आप ज़रा सोचो, अगर हेनरी फोर्ड 5 बार बिजनेस में फेल होने के बाद निराशा होकर बैठ जाता, एडिशन 999 जो उसने असफल प्रयोग किए थे उन्हें करने के बाद उम्मीद ही छोड़ देता, आइंस्टीन अपने दिमाग में एक चीज़ पाल लेता कि वो दिमागी कमज़ोर है, तो क्या वो इतने बड़े लोग बन पाते। आप अपने दिमाग में सारी की सारी चीज़ें सोचते हो, आप जो चीज़ें सोचते हो वही आप करते हो, और उसी तरीके की आपके एक्शंस अपनी ज़िंदगी में होते हैं। एक बात याद रखना, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते, और जो हार मान लेते ना वो कभी जीत ही नहीं सकते। ये बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए। आज सभी लोग अपने भाग्य और अपनी परिस्थितियों को कोसते रहते हैं, बैठ के उन पे बस निराश होते रहते हैं। आप जरा सोचिए, अगर एडिशन भी खुद को अनलकी समझ लेते और दुनिया के इस प्रेशर में अपने आप को दबा देते, तो शायद वो इतने बड़े डिस्कवरर नहीं बनते, आज शायद हम उनकी बात नहीं कर रहे होते। अगर किसी काम को असफल भी हो जाए तो आप एक बात याद रखिएगा कि कोशिश करते रहना, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी तरीके साथी जैसी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मेरा आपसे बस एक ही निवेदन है कि आप कोशिश करें, अपने जज्बे को कभी कम ना करें, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।